गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति गनोटियाल, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति गनोटियाल ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 7 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का कमत गांव से, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। मौसम की बात करें तो आज सुबह से लगातार बारिश होती जा रही है। चौमास के टाइम पर ना आजकल रास्तों में इसी प्रकार से जमीन से पानी आ रहा है। मेरी तैयारी हो गई है उत्तरकाशी जाने की, और माँ जा रही है पुराने वाले घर पर गाय और भैंस को पिलाने, और भाई चला गए स्कूल और यमुना भी चली गई स्कूल, और दादा और दादी और पापा तो पुराने वाले घर पर थे। तो जल्दी से चलती हूँ यहाँ से, और बाहर ना इतनी ज्यादा बारिश हो रही सुबह से, क्या ही बताना। और साजी भी ना आने वाले हैं धूमोत्री में, और साजी ना मेरे साथ जा रहे हैं, तो साजी भी थोड़ी देर में ना धूमोत्री पहुंचने वाले हैं, तो मैं भी ना यहाँ से चलती हूँ। और भाई ना मेरे साथ जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि भाई के पास ना बाइक है, तो इस बारिश में ना भाई जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। अगर ना बारिश नहीं होती थी तो शायद ना भाई मेरे साथ जाया करते, लेकिन वैसे ना भाई जी ने पक्का जाना था, तो आज बहुत ही ज़्यादा बारिश। और अभी के टाइम पर ना माँ से मुलाकात हुई है, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा देर हो रही है, क्योंकि अगर ना मैं सुबह नहीं जाऊंगी तब ना मेरा काम भी नहीं होगा, क्योंकि शाम को ना हमको घर आना पड़ेगा। और अब जल्दी चलती हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ से छाता भी कर दिया है। आज पता नहीं बारिश सारे दिन भर होती है, क्योंकि रात से हो रही है अभी तक, और ज़्यादा ही ज़्यादा हो रही है। यहाँ गाड़ी में मेरे को दादाजी भी मिल गई, और दादाजी जा रहे भी टहरे काम से, यानी कि जिजवानी काम से। चलिए दोस्तों, मैं धोत्री मार्केट में पहुँच गई हूँ, और यहाँ से ना नैपुर गांव से गाड़ी आ रही है, तो उसी गाड़ी पर ना मैं साजी के साथ उत्तरकाशी जाऊंगी।
तो चलिए दोस्तों, हम उत्तरकाशी में भी पहुंच गए हैं और यहाँ से जा रहे हैं हम हॉस्पिटल में। और अभी ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों, अभी दोपहर की 2 बज गई है, अभी जाके ना हमारा काम हो रहा है और हॉस्पिटल में ना काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो रखी थी, तो मैं ना एडमिशन जो हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि अब 1 महीने बाद आना है और अब जल्दी से चलते हैं यहाँ से घर। और सुबह से ना हमने कुछ भी खाया नहीं है, इतनी ज़्यादा भूख लगी, क्या ही बताना। तो चलिए दोस्तों, अभी शाम की 6 बज गई है, अभी आ रहे हम उत्तरकाशी से, यानी कि आगे समय आ गए थे, तो थोड़ी देर तक ना हमने आराम किया है और इतनी ज़्यादा थकान लग गई थी, क्या ये बताना। साजी की हालत भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और अभी ना यहाँ पर अमित भाई आ रहे हैं, यानी अमित नेगी ब्लॉग आ रहे हैं। तो हमने आज बुआ जी के घर पर इसी कारण से आए हैं क्योंकि हमको ना नेपड़ी की गाड़ी नहीं मिली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, तो कल ही जाएंगे सास जी और मैं नेपड़। या अंदर की बात करें तो सास जी भी ना अभी तक आराम कर रहे थे, अभी ना हमारे घर पर बुढ़ी जी आ रखे हैं सास जी को मिलने। तो सास जी कहने वार्ता प्यात ठीक है? सास जी कह रहे कि अभी ना थोड़ा बहुत ठीक है तबीयत। यहाँ पर ना अनिता भी अभी तक सो रखी थी, तो अनिता क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सफाई कर रही हूँ, भाई लोग आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक ना सभी लोग बिस्तर के अंदर सो रखे थे, सभी बिस्तर ना इधर उधर हो रखे, तो फटाफट से सफाई करते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे कभी झाड़ नहीं लगाते घर में। और आज मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्योंकि सुबह से ना कुछ भी खाना नहीं खाया है, जो थोड़ा बहुत खाया भी था वो पूरा बाहर डाल दिया था। यहाँ पर ना भैया लोग भी आ गए हैं और ये ना यहाँ पर, इनके आपके भाई है ना, छोटे भैया है,